हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग 6.3 कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 में। तो आज हम लोग उसका 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2,401 रुपीज इन ऑल फॉर द PNFF। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो बोल रहा है कि जितने स्टूडेंट्स थे उतने ही प्रत्येक ने उतने ही पैसे दिए हैं। ठीक है, मतलब टोटल कितना दिया उन लोगों ने, 2,401। ठीक है, जितने स्टूडेंट उतने पैसे, मतलब क्या होगा, इस नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जितने नंबर स्टूडेंट थे उतने ही पैसे दिए थे, वो अपने को निकल जाएगा। और अपन लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, किस मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे 2,401 का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है। ठीक है, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से रूल क्या होता है कि सबका टोटल क्या आना चाहिए जो 3 के टेबल में आता हो। ठीक है, टोटल करके देखते हैं। 4 8 5 5 के बाद में 5 और 2 7, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि टोटल कितना हो रहा है अपना, 7 हो रहा है नंबर्स का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर से किससे ट्राई करते हैं, हम लोग 5 से ट्राई करके देखते हैं। तो 5 से लास्ट में 1 है तो नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 7 से ट्राई करके देखते हैं। तो 7 3 21, फिर क्या है यहाँ पर 3, तो 7 4 28, और फिर 7 3 27 21। ठीक है, तो ये 7 से जा रहा है। ठीक है, अब फिर से 7 से देते हैं। ठीक है, 7 से देते हैं, तो 7 4 कितना होता है 28, रिमेनिंग कितना बचा 6, तो 7 9 कितना होगा 63। ठीक है, फिर 7 से देंगे तो 7 7 जा, और फिर 7 से देंगे तो 7 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके पेयर बन रहे हैं, 2,401। तो फैक्टर क्या क्या आ रहा है अपने, 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, तो पेयर किसका बन रहा है, 7 और 7 का। ठीक है, 2,401 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। तो क्या आ जाएगा आंसर अपना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ क्लास इक्वल टू 49, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। धन्यवाद। नंबर 8 करते हैं। इसमें 2,025 प्लांट्स को भी एक गार्डन में प्लांट करना है। एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने प्लांट्स एक रो में होंगे उतने ही रोज होंगे। तो प्लांट्स और रोज को अपने का नंबर्स पता करना है। इसके लिए भी क्या करेंगे, नंबर का क्या निकालेंगे अपन लोग, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट से पता चल जाएगा कितने रोज हैं और एक रो में कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपन लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे 2,025। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लास्ट में 5 है, तो 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 से 5 और 2 7 और 2 9, मतलब 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से देते हैं, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचे, 3 7 जा 21, और फिर 3 5 जा 15। अब टोटल करके देखते हैं, 6 और 7 13 13 और 5 18, मतलब फिर से 3 से चला जाएगा। तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अभी भी 3 से चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, अभी भी 3 से चला जाएगा क्योंकि टोटल 12 हो गया। तो फिर से जाएंगे 3 से, तो क्या होगा, 3 2 जा 6 और फिर 3 5 जा 15। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, फिर अब 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से देंगे, तो 5 5 जा 25 और फिर 5 5 1 जा 5। ठीक है, क्या है अपने फैक्टर्स, क्या है इसके, स्क्वायर रूट निकालेंगे अपना। तो फैक्टर्स इसके आए अपने पास में 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, तो पेयर बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5, तो 5 3 जा 15 15 3 जा 45। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
टू फाइव का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा आंसर 45 रोज एंड नंबर ऑफ 45 रोज एंड 45 प्लांट्स इन ईच रो। मतलब 45 रोबीज होंगे और 45 प्लांट्स ईच रो में भी होंगे, ठीक है।